Import Mark File into Koha पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे Koha में Mark File इंपोर्ट करना और OPEC में इंपोर्टेड डेटा सर्च करना। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux OS 16.04, Koha वर्जन 16.05 और Firefox वेब ब्राउजर। आप अपनी पसंद के किसी भी अन्य वेब ब्राउजर का उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए शिक्षार्थियों को लाइब्रेरी साइंस से परिचित होना चाहिए। इस ट्यूटोरियल का अभ्यास करने के लिए आपके सिस्टम पर Koha संस्थापित होना चाहिए और आपको Koha में एडमिन एक्सेस भी होना चाहिए। यदि नहीं तो कृपया इस वेबसाइट पर Koha स्पोकन ट्यूटोरियल की श्रृंखला देखें। रिकॉर्ड्स को Koha में इंपोर्ट दो तरीके से किया जाता है, स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्ट और मैनेज स्टेज्ड रिकॉर्ड्स। शुरू करने के लिए चलिए अपने सुपर लाइब्रेरियन के साथ Koha में लॉगिन करें। होम पेज पर टूल्स पर क्लिक करें। एक नया पेज खुलता है। कैटलॉग सेक्शन में स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्ट पर क्लिक करें। शीर्षक स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्ट के साथ एक नया पेज खुलता है। स्टेज रिकॉर्ड इनटू द रिजर्वॉयड सेक्शन पर जाएं। यहां सिलेक्ट द फाइल टू स्टेज के समीप ब्राउज पर क्लिक करें। फिर डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएं। फाइल अपलोड नामक विंडो खुलता है। यहां टेस्ट डेटा .mrc नामक फाइल पर जाएं। याद रखें हमने पहले के ट्यूटोरियल में testdata.mrc फाइल बनाई थी। testdata.mrc फाइल को चुनें यदि पहले से नहीं चुना गया है और पेज के नीचे ओपन बटन पर क्लिक करें। उसी पेज पर आप ब्राउज टैब के समीप testdata.mrc नामक फाइल देखेंगे। अब पेज के नीचे अपलोड फाइल पर क्लिक करें। आप भूरे रंग में अपलोड प्रोग्रेस बार देखेंगे। अपलोड 100% तक पूरा होने के बाद हमें कुछ विवरण भरने के लिए कहा जाता है। सबसे पहले कमेंट्स अबाउट दिस फाइल फील्ड भरें। यह अपलोड की गई फाइल को Koha में पहचानने के लिए उपयोगी है। मैं बुक डेटा प्रविष्ट करूंगी। अगला रिकॉर्ड टाइप है। यहाँ Koha डिफॉल्ट रूप से बिब्लियोग्राफिक चुनता है। इसी तरह कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए Koha डिफॉल्ट रूप से UTF-8 डिफॉल्ट चुनता है। फिर सेक्शन लुक फॉर एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स इनटू कैटलॉग पर आएं। इस सेक्शन में रिकॉर्ड मैचिंग रूल पर जाएं। Koha डिफॉल्ट रूप से डू नॉट लुक फॉर मैचिंग रिकॉर्ड्स चुनता है। यदि आप मौजूदा रिकॉर्ड से मेल करना चाहते हैं तो ड्रॉपडाउन से एक और ऑप्शन चुनें, अर्थात ISBN/ISSN नंबर। अब हम एक्शन इफ मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड पर आते हैं। Koha डिफॉल्ट रूप से रिप्लेस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड विद इनकमिंग रिकॉर्ड चुनता है। फिर एक्शन इफ नो मैच इज फाउंड आता है। Koha डिफॉल्ट रूप से एड इनकमिंग रिकॉर्ड चुनता है। फिर हम चेक फॉर एम्बेडेड आइटम रिकॉर्ड डेटा सेक्शन पर आते हैं। यहाँ यस और नो दो ऑप्शंस हैं। Koha डिफॉल्ट रूप से यस चुनता है। हाउ टू प्रोसेस आइटम्स के लिए Koha डिफॉल्ट रूप से ऑलवेज एड आइटम्स चुनता है। अन्य ऑप्शंस भी हैं। आप अपनी वरीयता के अनुसार इनमें से कोई भी ऑप्शंस चुन सकते हैं। पेज के नीचे स्टेज फॉर इंपोर्ट बटन पर क्लिक करें। आप नीले रंग के बार में जॉब प्रोग्रेस देखेंगे। जब प्रोग्रेस 100% तक पूरी हो जाती है तो शीर्षक स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स फॉर इंपोर्ट के साथ एक नया पेज खुलता है। ध्यान दें कि अब हमने सफलतापूर्वक डेटा इंपोर्ट किया है जो हमारे पास एक्सेल शीट में था।
इसमें निम्नलिखित विवरण है। ध्यान दें कि आप अपने .mrc डेटा के अनुसार अपने कोहा इंटरफेस पर अलग वैल्यू देखेंगे। इस पेज पर शीर्षक के ऊपर आप दो ऑप्शंस देखेंगे, स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स और मैनेज स्टेज्ड रिकॉर्ड्स। ध्यान दें कि मैं स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स पर क्लिक नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने पहले ही एक्सेल फाइल अर्थात टेस्ट डेटा को इंपोर्ट किया है। यदि आपको किसी अन्य फाइल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है तो स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स पर क्लिक करें और जैसा कि पहले उल्लेख किए गए चरणों का पालन करें। इसके बाद हमें कोहा कैटलॉग में इंपोर्ट रिकॉर्ड्स को मैनेज करना होगा, तो मैनेज स्टेज रिकॉर्ड्स पर क्लिक करें। मैनेज स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स बैच 6 नामक नया विंडो खुलता है। इस पेज पे कोहा यहाँ दिखाए गए वैल्यू के साथ निम्नलिखित फील्ड्स भरता है और निम्नलिखित फील्ड्स के लिए कोहा डिफॉल्ट रूप से इन प्रविष्टियों को ड्रॉपडाउन से चुनता है, लेकिन आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन प्रविष्टियों को अपने संबंधित ड्रॉपडाउन से बदल सकते हैं। फिर अप्लाई डिफरेंट मैचिंग रूल्स नामक बटन है। आप डेटाबेस में रिकॉर्ड्स के दोहराव से बचने के लिए इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस बटन को छोड़ दूंगी और आगे बढ़ जाऊंगी। अब एड न्यू बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इनटू दिस फ्रेमवर्क पर जाएं और ड्रॉपडाउन से बुक्स चुनें। फिर से आप अपने आवश्यकता अनुसार चुन सकते हैं। अब सेक्शन मैनेज स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स बैच 6 पर आए। मैं नीचे इंपोर्ट दिस बैच इनटू द कैटलॉग टैब पर क्लिक करूंगी। हालांकि क्लिक करने से पहले हम सेक्शन साइटेशन के माध्यम से जाएंगे। कृपया विशेष संख्याओं को नोट करें। ध्यान दें कि आप उन विवरणों के साथ एक अलग संख्या देखेंगे जिन्हें हमने एक्सेल में इंपोर्ट किया है। अब नीचे इंपोर्ट दिस बैच इनटू द कैटलॉग नामक बटन पर क्लिक करें। जब हम ऐसा करते हैं तो जॉब प्रोग्रेस बार प्रदर्शित होता है। जब प्रोग्रेस 100% तक पूरी हो जाती है तो एक नया पेज खुलता है, शीर्षक मैनेज स्टेज मार्क रिकॉर्ड्स बैच 6 के साथ और निम्नलिखित विवरण जो पहले प्रविष्ट किए गए थे। आपके इंपोर्ट को अंडू करना संभव है। यदि आपको इंपोर्ट डेटा में गलती मिलती है तो इसे सही करने के लिए निम्न करें। सेक्शन के नीचे अंडू इंपोर्ट इनटू कैटलॉग टैब पर क्लिक करें। मैं यहां क्लिक नहीं करूंगी। अगला कंप्लीटेड इंपोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है। यहां आपको रिकॉर्ड्स एडेड अपडेटेड का विवरण दिखाई देगी। फिर आपको इंपोर्ट किए गए विवरणों के साथ सेक्शन साइटेशन दिखाई देगा। एक बार इंपोर्ट पूरा होने के बाद नए रिकॉर्ड के लिए एक लिंक दिखाई देगा। यह इंपोर्ट किए गए प्रत्येक साइटेशन के दाहिने तरफ दिखाई देता है। अब हम पुष्टि करेंगे कि शीर्षक कैटलॉग में जोड़े गए हैं या नहीं। ऐसा करने के लिए उसी पेज के शीर्ष पर सर्च द कैटलॉग फील्ड पर जाएं। अब मैं कोहा में रिकॉर्ड्स के इंपोर्ट की पुष्टि करने के लिए एक छोटा परीक्षण करूंगी। इसीलिए मैं साइटेशन सेक्शन में इंपोर्ट किए गए रिकॉर्ड में से किसी एक शीर्षक पर टाइप करूंगी। फिर फील्ड के दाईं ओर सबमिट बटन पर क्लिक करें। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाउसक्रॉफ्ट कैथरीन ई नामक नया पेज खुलता है। कोहा सर्च किए गए शीर्षक का परिणाम दिखाता है, जो साबित करता है कि रिकॉर्ड सही से इंपोर्ट हुआ है। इसके साथ हमने मार्क को कोहा में इंपोर्ट किया है। संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने कोहा में मार्क फाइल इंपोर्ट करना और ओपेक में इंपोर्टेड डेटा सर्च करना सीखा। नियत कार्य के लिए मार्क के 10 रिकॉर्ड का उपयोग करें जो पहले के ट्यूटोरियल में परिवर्तित हो गए थे और उन्हें कोहा में इंपोर्ट किया गया था। संकेत, कृपया
Conversion of Excel data to Mark 21 format tutorial देखें। निम्नलिखित लिंक पर वीडियो Spoken Tutorial Project का सारांश देता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। Spoken Tutorial Project टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। कृपया मिनट और सेकंड के साथ अपने प्रश्नों को इस फोरम में पोस्ट करें। Spoken Tutorial Project NMEICT MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं ज्योति सोलंकी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।